की पीडब्ल्यूडी डेली न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा शबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी। खबरनामे का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं बहबूद आबादी सेक्रेटरीट लाहौर से, जहां पर डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहतरमा समन राय की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़द हुआ। इजलास किस हवाले से था और इसमें क्या फैसला हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहतरमा समन राय की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी सेक्रेटरीट लाहौर में अहम इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में महकमा बहबूद आबादी के लिए मान हमल अद्वियात की खरीदारी और तशखीसी अमल से मुतलिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को खरीदारी और तशखीसी कमेटियों की जानिब से मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई और बाद अजां डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से अहकाम जारी किए गए। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहतरमा समन राय का कहना था कि खानदानी मनसूबाबंदी की तमाम मुफ्त और मौसर सहूलियात को अवाम नास की दहलीज तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। बहबूद आबादी सेक्रेटरीट लाहौर में डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मोहतरमा समन राय की हदायत पर खानदानी मनसूबा बंदी की सहूलियात से मुतल्लिक मुल्क आवाम को आगाह करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज इस हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर फैमिली हेल्थ क्लिनिक जनरल हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर सोबिया हक का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने खानदानी मनसूबा बंदी की सहूलियात से मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह किया। अपने इंटरव्यू में डॉक्टर सोबिया हक का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर सोबिया हक है और मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, फैमिली हेल्थ क्लिनिक लाहौर जनरल हॉस्पिटल। और ये एक महकमा बहबूद आबादी की एक फैसिलिटी है जिसमें के डॉक्टर अलॉन्ग विद अदर पैरामेडिकल स्टाफ हम हर तरह की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। द मेन फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब से शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, ये मेनार्की से शुरू कर हम इसको मेनोपॉज पे एज सच और पोस्ट मेनोपॉज पे ले जाते हैं। मेनार्की क्या है, मेनार्की समय बलूबियर जिस वक्त बच्ची को महावारी शुरू होती है, उस वक्त भी काफ़ी मसले मसाइल पेश आते हैं तो आप एफएससी में उन बच्चों को ला सकते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगाही देना मेनोपॉज के बारे में कि मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज जो है एक खातून को जिस वक्त 12 महीने तक लगातार महावारी ना आए तो फिर हम उसको मेनोपॉज लेबल करते हैं, ठीक है। ये कब से कब तक शुरू हो सकता है, ये 40 साल से लेके 50 साल की उम्र के दरमियान में होता है। मुख्तलिफ लोग इसकी एवरेज एज डिफरेंट बताते हैं। इस आगाही टॉक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको बतानी है वो ये है कि इसकी तीन स्टेजें होती हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, उनको अगर इंटेलिजेंटली डील किया जाए तो आप एक बहुत क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारें, आप भी खुश हैं, आपकी वजह से आपके घर वाले भी खुश हैं। आपने जानी आज की अहम तरीन खबरें। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुतालिक दीगर खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल बहबूद टीवी। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।